एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अल्टो गाड़ी है तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसे आज हम फाइंड करेंगे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। हम जानने से पहले हमें सबसे पहला क्या करना होता है, की को ऑन करें और यहाँ पे दो लाइट को देख ले। ये लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए और ये लाइट ब्लिंकिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर लाइट ब्लिंकिंग कर रही होगी तो इमोबिलाइजर का प्रॉब्लम होगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये लाइट अगर दोस्तों नहीं आ रही होगी तो इससे का प्रॉब्लम होगा और गाड़ी में स्टार्ट नहीं होगी। तो ये दोनों लाइट अभी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, इसका ये फिल्टर निकाल दिया है और यहाँ पे इसका इग्निशन कोयल है, बाटली कोयल भी इसे हम कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके इंजेक्टर रहते हैं, दोनों जगह पे हमें पावर चेक करना होता है और इसका फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी हमें चेक करना होता है। सबसे पहले हम पावर चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ से पावर चेक कर लेते हैं तो क्या बाटले कोयल में से पावर बाहर आ रहा है कि नहीं। गाड़ी को सेल्फ लगाएंगे तो यहाँ पे पावर दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई पावर का इश्यू है। तो अब हमें यह प्रॉब्लम ढूंढना होगा कि पावर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टर्मिनल हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बैटरी का पावर आता है दोस्तों की ऑन करते ही, तो हमें सबसे पहले वो चेक कर लेना है कि यहाँ पे पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पावर चेक करने के लिए हम टेस्टिंग लैंप का यूज़ करेंगे, इसका प्लस पॉइंट या माइनस के साथ लगा देंगे, की को ऑन कर देंगे और इसे यहाँ पे टच करवाएंगे। टच करवाते ही दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये पावर आ रहा है। बाद में दोस्तों हमें सॉकेट होते हैं उससे लूज है कि नहीं वो देख लेना होता है। तो सॉकेट अगर कम्प्लीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लूज़ रहेंगे तो भी आएगा। इसी तरह का एक सॉकेट इसके के नीचे भी रहता है दोस्तों, उसे भी हमें चेक कर लेना होता है। हमने इसके एल्बो को बाहर निकाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वायर है वो टूट गया है इस सॉकेट में से, जिसकी वजह से क्या है कि गाड़ी में पावर नहीं आ रहा है। तो हमें इस वायर को ठीक से पहले लगाएंगे, बाद में चेक करेंगे कि पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों हमने इसके नीचे जो वायर टूटे हुए थे उसे निकाल के इसका जो सॉकेट है उसे लगा दिया है। अब मैं आपको पावर चेक करवाता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों अब हमने जैसे इस वायर को लगा दिया तो यहाँ से पावर आपको गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इसी प्रोसेस से हमें इसको रिपेयर करना होता है, जब कभी भी ये गाड़ी बंद हो जाए पावर की प्रॉब्लम से। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे जो पावर होता है उसे चेक कर लेना होता है, इसका बैलास्टर रजिस्टर होता है उसे चेक कर लेना है, इसके अर्थिंग को चेक कर लेना है। फिर भी दोस्तों सब सही हो और पावर ना आ रहा हो तो यह पे वायर है उसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से बाद में से दोस्तों यहाँ पे जीते जो वायर रहता है उसको चेक करना होता है। इसके पावर सिस्टम में आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे बैटरी का डायरेक्ट पावर आता है, यह इसके अंदर दो कॉइल रहती है, बैटरी के 12 वोल्टेज होते हैं तो उसे हाई पावर बनाना होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है जो इसको कन्वर्ट करता है इसके अंदर। तो वो क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है तो इसके अंदर जो डायफ्राम होता है वो घूमता है, जिसकी वजह से स्पार्क सब में होता है। पर उसके अंदर एक रजिस्टर होता है, वो क्या होता है कि जब टच होता है और खुलता है तभी ये स्पार्क होना चाहिए, इस तरह का एक सिस्टम रहता है। तो क्या होता है कि वो जब टच होकर खुलेगा तभी यहाँ पे ये सिग्नल आएगा, जो आएगा इस नीचे लगे हुए सॉकेट से वायर की मदद से यहाँ तक, तो वो भी ख़राब हो जाता है तो भी यहाँ पे पावर नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करना होता है।